हमारे जितने भी सेंटर में हम लोग मंथ ऑन मंथ एवरेज 70% के आसपास बच गए। तो हमने एक टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट करी जिसको हम बोलते हैं क्लोज वर्किंग चैम्बर टेक्नोलॉजी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हमने इम्पोर्ट करी। हमारे सारे सेंटर में क्लोज वर्किंग चैम्बर टेक्नोलॉजी उपलब्ध। ऐसा सब्जेक्ट है या इंफर्टिलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जना बोलने से झिझकता है, हर जना कहने से डिस्कस करने से पीछे हटता है। तो हम प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं कि औरत का जो अंडा है वो बाहर निकाल देते हैं, आदमी या पुरुष के जो शुक्राणु हैं उसके पति के जो शुक्राणु हैं उसको बाहर लेबोरेटरी में मिला के उससे भ्रूण बना देते हैं, और 3 से 4 दिन में ये जो भ्रूण बनते हैं वो औरत के गर्भाशय में हम लोग वापस प्रत्यारोपित कर देते हैं। इसको सिंपल शब्दों में IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक कहा जाता है। सिंपल लेमैन लैंग्वेज में जो प्रक्रिया किसी भी कारणवश औरत के अंदर नहीं हो रही है वो हमने बाहर लेबोरेटरी में करी और वापस अंदर रख दी। इसमें किसी तरह की डरने की जरूरत नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं होता है, कोई टाँका नहीं लगता है, कोई चीरफाड़ नहीं है, कोई बेड रेस्ट करने का जरूरत नहीं। ये बहुत ही एक सिंपल टेक्निक है जिसको यूज करके आज कोई भी नई संतान जोड़ा संतान प्राप्ति कर सकता है। आज यहाँ पर सेंटर में क्या आज हमने मुजफ्फरपुर सेंटर का उद्घाटन करा है और इसके अंदर वो सारी लेटेस्ट टेक्निक सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जो हमारे उदयपुर या और अन्य 25 ब्रांचों में जो उपलब्ध है वो सारी टेक्निक है। स्पेशली यहाँ जो IVF होगा वो क्लोज वर्किंग चेम्बर टेक्नोलॉजी में होगा जो हमने ऑस्ट्रेलिया से स्पेशली इम्पोर्ट करी है। हमने हमेशा से ये चाहा है कि IVF या कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं हो जो कॉमन आदमी अफोर्ड नहीं कर सके। हमने हर वो कोशिश करी है जिससे अफोर्डेबिलिटी आ सके। तो IVF का जो खर्चा है वो हमने कम करके 1.25 लाख के बीच में करा है जिससे कॉमन आदमी उसको अफोर्ड कर सके। अपना परिचय बताइए। मैं नितिश बूढ़िया हूँ, मैं मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ और मैं इंदिरा IVF ग्रुप का मार्केटिंग डायरेक्टर।